हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एंड एक ऐसी न्यूज़ है जो कि एडवर्स न्यूज़ है। एडवर्स मतलब यहाँ पे शेयर के प्राइस को मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसी ये न्यूज़ है। हालाँकि इससे रिलेटेड एग्जैक्टली क्लैरिटी क्या है वो भी हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर आउटकम्स आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। सो वही मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था, मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि चार धमाके करने वाली है। मतलब आपको शेयर स्प्लिट भी मिल सकता है, एक के बदले पांच शेयर भी मिल सकते हैं, डिविडेंड भी शायद से मिल सकता है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं एंड कंपनी एक्सपांशन के लिए भी यहाँ पे जा सकती है। सो ये सारी एक्टिविटी एक ही कंपनी में होने वाली है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एग्जैक्टली यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, एंड जो आर्टिकल्स यहाँ पे आए उसी को पढ़ के हम लोग ये कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली मैटर किससे रिलेटेड है, तो दो बड़े ग्रुप से रिलेटेड है। कौन से दो बड़े ग्रुप्स? तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे जी ग्रुप एंड उसी के साथ साथ L&T। यस दोस्तों, ये अगर हम लोग बात करें इनसे रिलेटेड यहाँ पे ये इशू देखने को मिल रहा है। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यस दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट सर्चेस जी ग्रुप एज वेल एज L&T इंडिया ऑफिसेस। सो इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, एंड अगर हम लोग इसको डिटेल में पढ़े, बट यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन है वो भी मैं देना चाहूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे बताया गया है IT डिपार्टमेंट रेड्स जी ग्रुप्स ऑफिसेस। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप पढ़ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड 50 लोकेशंस ऑफ जी ग्रुप्स। सो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को क्यों अलग से बताया वो अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना आने वाला है। सो इन चीज़ों को याद रखना जो मैंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, रेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसी के बारे में हम लोग को आगे यहाँ पे बात करना है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली मैटर किससे रिलेटेड है, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या आ सकता है वो भी हम लोग को देखना है। सबसे पहले IT डिपार्टमेंट, जैसे शुरुआत में हम लोग ने देख लिया, मतलब इनकम टैक्स की यहाँ पे बात सामने आ रही है। मंडे मतलब आज ही के दिन की यहाँ पे बात है, क्या यहाँ पे कैरियड आउट कर रहे वो, मतलब कंडक्ट कर रहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लिमिटेड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज एट द ऑफिस प्रीमाइसेस, किसके? दो बड़े ग्रुप्स के, जो कि हम लोगों ने अभी देख लिया, जी ग्रुप एंड L&T की यहाँ पे बात हो रही है। टू वेरीफाई इन टू देयर बोगस इनपुट अबाउट द टैक्स क्रेडिट ऑफिशियल सेड, मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे टैक्स इवेशन की बात हो रही है, या फिर आप आसान भाषा में बोल दे तो टैक्स चोरी की भी ऐसे बात बोली जाती है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात सामने आ रही है। ये हम लोग कह सकते हैं GST से रिलेटेड ये मामला हो सकता है। एंड इनपुट टैक्स की अगर हम लोग बात करें, जो क्रेडिट से रिलेटेड, टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, वही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रॉपरली यहाँ पे नहीं हुई है चीज़ें, बोगस यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। सो उसी से रिलेटेड क्या चल रहा है यहाँ पे, वेरिफिकेशन चल रहा है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ये देखिए, लिमिटेड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज यहाँ पे चल रहा है, एंड इसीलिए उनके ऑफिसेस में, उनके प्रीमाइसिस में आज इनकम टैक्स वाले हम लोग को जाते हुए देखने को मिले हैं। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो रेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रेड ये बहुत ही बड़ा, मतलब बोलते हैं ना, नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला शब्द है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अ सीनियर IT ऑफिशियल, उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, देर आर नो सच सर्चेज और द रेड्स, मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना, सर्च करने के लिए, रेड करने के लिए आप लोगों के पास उस टाइप के वारंट्स होने चाहिए, सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए। रेड ये बहुत ही बड़ा टर्म है हम लोग कह सकते हैं। सो अभी तक जो चीज़ें हुई है ना, हम लोग कह सकते हैं कि उनके ऊपर डाउट है कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे लिया गया है, वो भी बोगस वे से ही लिया गया है, या फिर मैं आसान भाषा में बोल दूँ तो टैक्स जितना भरना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं भरा है, बोगस चीज़ें दिखा के यहाँ पे उन्होंने टैक्स बचाने की कोशिश की। ये फिलहाल क्या चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है। सो अभी तक हम लोग बोल नहीं सकते रेड और सर्चेस, एक बार ये चीज़ें प्रूफ हो गई तो हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर रेड हो सकती है या फिर सर्चेस हो सकते हैं, तब IT डिपार्टमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती है। तो इसलिए मैं शुरुआत में आप लोगों को दिखा दिया क्यों स्टार लगा के, क्योंकि शुरुआत में जब न्यूज़ फ्लैश हुई थी तो ऐसी न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि इनके जो ऑफिसेस है वहाँ पे रेड हुई है। सो रेड बहुत बड़ा शब्द है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट हम कह सकते हैं देखिए उनके IT इनकम टैक्स वाले जो ऑफिशियल है उन्होंने ही शब्द इस्तेमाल किए हैं, देर आर नो सर्चेज और द रेड्स, बट वी आर कैरिंग आउट द लिमिटेड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज एट द ऑफिस ऑफ द लार्सन एंड टुब्रो एंड द जी ग्रुप। एंड उसी से रिलेटेड हम लोगों ने सारी बातें देख ली कि आरोप क्या है उनका, तो बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने यहाँ पे क्लेम किया है, इसी से रिलेटेड ये सारी बातें हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछी गई, जैसे कि आप सभी लोगों को बताएं कि यहाँ पे ये मैटर मतलब कितना टाइम यहाँ पे लग सकता है, तो ऑब्वियसली ये तो मतलब कोई
सवाल ऐसा प्रॉपरली था ही नहीं, बेसलेस सवाल। आप सभी लोग पता है मीडिया कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि पूछना ही नहीं चाहिए, उसका आंसर कोई देना ही नहीं चाहेगा, राइट। इसका आप लोग आंसर दे सकते हो क्या, कितना टाइम चलेगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी उन्होंने यहाँ पे आंसर नहीं दिया। एंड और एक सवाल उन्होंने पूछा कि कौन से, आप देख सकते हो उनको पूछा गया कि कौन से ऑफिसेस के ऊपर यहाँ पे रेड की गई है, तो ये भी एक ऐसा सवाल है जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करते। आप देख सकते हैं द ऑफिशियल्स हावेवर रिफ्यूज टू शेयर द डिटेल्स ऑफ द ऑफिसेस वेयर द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज बीन कैरिड आउट। तो ये बताना सरासर मतलब गलत ही चीज़ है, राइट। तो ये कभी भी नहीं बताया जाता है, सो फिर भी सवाल यहाँ पे पूछे जाते जो कि उनका काम है। सो दोस्तों ये न्यूज़ देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं, देखिए न्यूज़ तो पॉजिटिव है नहीं, ये तो हम लोग आराम से कह सकते हैं, बट जो रेड शब्द इस्तेमाल किया गया है या फिर सर्चेस, वो भी अभी तक फाइनलाइज यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर ये शब्द फाइनलाइज हो जाते तो शायद से हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता था, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर ये रेड सर्चेस अगर होते हैं तो क्या कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, कंपनी कोई बर्बाद नहीं होती है। ये इससे पहले ऐसे कितने सारे कंपनीज के ऊपर ये ऐसे आरोप आ चुके हैं, एलिगेशंस भी आ चुके हैं, रेड्स भी हो चुके हैं, सर्चेस भी हो चुके हैं। सो कोई कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती, बट हम लोग कह सकते हैं कि यस, एक छोटा सा हम लोग कह सकते हैं कि रेपुटेशन के ऊपर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कभी कभी आ जाता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोग पता है हम लोग दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। सो अभी तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे उनके ऊपर जो लगाए हुए आरोप है वो सिद्ध हुए, वो अभी तक फिलहाल वेरिफिकेशन प्रोसेस में चल रहे हैं, उसका जो भी आउटकम आएगा वो भी हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में देख सकते हैं। बट आप सभी लोगों को पता है ऐसी चीज़ों में कोई भी स्टॉक अटक जाता है तो क्या हो जाता है, यूसी अटैच हो जाता है, मतलब अनसर्टेनिटी यहाँ पे अटैच हो जाती है। एंड मार्केट को अनसर्टेनिटी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। सो हम लोग कह सकते हैं अभी इन दो स्टॉक्स में यहाँ पे रैली, बड़ी रैली आप तभी कह सकते हो यहाँ पे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल देता है कि सब कुछ ओके है, उनको जो शक था ऐसा कुछ भी नहीं है, बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पे नहीं है, तो नॉर्मलाइज बोलते हैं ना बैक टू नॉर्मल लाइफ, जैसे स्टॉक चल रहे थे वैसे चलना शुरू हो सकते हैं। बट तब तक के लिए हम लोगों को शायद से यहाँ पे अनसर्टिनिटी के कारण एक दबाव देखने को मिल सकता है। अभी बात करें यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो की, सो दोस्तों एलएनटी की कभी भी मैं बात करूँ ना तो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को ऑर्डर्स मिल जाएंगे, तो चलिए वो भी एक अच्छी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एलएनटी आर्म्स विंस द लार्ज इंजीनियरिंग ऑर्डर फ्रॉम हिंदुस्तान पेट्रोलियम जॉइंट वेंचर्स। सो हम लोग कह सकते हैं ये जो हम लोगों को बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, आज भी 2500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इनको मिला है, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं हम लोग, एग्जैक्टली फिगर नहीं है। सो ऑर्डर्स मिलते ही रहते हैं। सो एलएनटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल चुका है, तो इस न्यूज़ के कारण क्या एलएनटी का ख़त्म होगा, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। ये बड़े बड़े कंपनीज के साथ भी हो चुका है, अभी रिलायंस के ऊपर भी आज हम लोगों ने देख लिया था, कल परसों सेबी ने 40 करोड़ का फाइन लगाया था। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बजाज फाइनेंस के ऊपर भी ऐसी चीज़ें आई थी फ्रॉड हो रहा है करके, एचडीएफसी बैंक के भी ऊपर आया था, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सीधा स्टॉक जीरो ही हो जाएगा करके, राइट। वो देखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट कितना है एंड स्टॉक कौन सा है, वो भी कभी कभी यहाँ पे मैटर करता है। सो एलएनटी की बात करें, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा प्रेशर आप लोगों ने यहाँ पे लेना चाहिए, एलएनटी बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। एंड अगर कोई ऐसी चीज़ें रहेंगी तो एलएनटी खुद इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पे प्रॉपरली एक्शन लेगा, इतना मुझे यहाँ पे ज़रूर लगता है। एलएनटी, टाटा, बजाज, एचडीएफसी ये बहुत बड़े ग्रुप है जो कि अगर ऐसी चीज़ हो गई तो खुद इन्वेस्टिगेशन करके उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल के दे देते हैं। सो देख लेते हैं एलएनटी अगर आपके पास रहेगा तो ज़्यादा प्रेशराइज वाली बात है नहीं। एंड स्टॉक तो आप सभी लोग पता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, लंबी अवधि वाला स्टॉक है, राइट। पहले ही स्लो चलता है, अभी फिलहाल मार्केट अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे भी पैसा बन रहा है, बट ऐसी न्यूज़ के कारण अनसर्टेनिटी जब कभी कभी अटैच होती है तो शायद से स्टॉक में भी हम लोगों को जो रैली चल रही है वो धीमे धीमे चलती हुई देखने को भी मिल सकती है। सो एक डिसएडवांटेज वाली बात ज़रूर हम लोग को देखने को भी मिल सकती है। आज के दिन की बात करें एलएनटी की, तो 4th जैन 34-35% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो एलएनटी बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी वाला स्टॉक है। सो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा वो तो फ्यूचर में ही हम लोग को पता चल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं जी एंटरटेनमेंट। सो जी एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे इतना स्ट्रांग नहीं लगता, मैंने वर्ड यूज़ किया मुझे, ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं इस कंपनी से रिलेटेड, बट मैं इससे पहले भी 2 साल पहले से भी आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि जो एक बोलते हैं ना फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में जो क्राइटेरिया रहते हैं वो मुझे इस स्टॉक में नज़र नहीं आते। इवन दो ये निफ्टी फिफ्टी का पार्ट था तभी से मैं आप लोगों को बोल रहा था, एंड फाइनली ये निफ्टी फिफ्टी से बाहर भी निकला गया। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं एसएल ग्रुप से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा ये स्टॉक है हम लोग कह सकते हैं, बट स्टिल आज के ये न्यूज़ के बाद ये कंपैरेटिवली हम लोग कह सकते हैं एलएनटी से वीक है, इसीलिए ये 2.5% की गिरावट शायद से हम लोग को देखने को मिली होगी। सो 219 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं आपको इसका 5 साल का भी परफॉर्मेंस दिखा दूँ, ये 5 साल का परफॉर्मेंस है,
आप यहाँ पे देख सकते हो। सो स्टॉक अभी भी लाल निशान में चल रहा है, एक ज़माने में 600 को क्रॉस किया था, आज भी ये स्टॉक 200 के करीब चल रहा है, मतलब 1/3 चल रहा है। एंड कब 1/3 चल रहा है? जब मार्केट में भयंकर पैसा है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा दबा के लगा रहे हैं, राइट। निफ्टी 1400 को भी टच कर लिया, उसको क्रॉस करके 1400 को भी टच कर लिया, मतलब आपको समझ रहा है इतना हायर लेवल पे चल रहा है, बट इस स्टॉक में पैसा नहीं आ रहा है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट कभी तो गिरेगा, तो ऐसे स्टॉक मार्केट के प्रभाव के विरुद्ध जाके रैली दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। सो जी एंटरटेनमेंट ज़रूर आप लोगों ने थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वापस कहना चाहूँगा ब्लाइंडली फॉलो आप लोगों ने नहीं करना है। सो जी एंटरटेनमेंट की और भी कुछ बातें जो कि आप सभी लोगों को पता है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। 20% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है, एंड वो बात कौन सी है तो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका था, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये पॉइंट मुझे बहुत खटकता है। प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 4%, और ये प्रमोटर की होल्डिंग पहले डबल डिजिट से भी बहुत ज़्यादा थी, 22-25-26% की आती थी, एंड आज देख सकते हो। देखिए प्रमोटर थोड़ा सा हिस्सा कम करते हैं ना, वो चल जाता है, राइट। 50 का अगर 45 हुआ, चलो ठीक है, वो भी चल जाता है, बट अगर इतना कम हो जाता है डायरेक्टली 4, तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डाउट सामने आ जाता है। एंड सबसे खास बात, इसमें भी 6% के आसपास स्टॉक्स गिरवी रखे हैं। सो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगती अगर हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसमें भी हम लोग को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर चाहिए, एंड मार्केट ये समुंदर जैसा है। सो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, सो ज़बरदस्ती किसी भी स्टॉक में नहीं जाना है, आपके पास चॉइसेस है। सो ऐसे स्टॉक में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। वापस कहना चाहूँगा मेरा कोई पर्सनली यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ जो पैरामीटर्स देखने को मिल रहे उसी के पकड़ के मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड वो भी पिछले 2 साल से। सो दोस्तों ये डेटा परफेक्टली आप लोगों को यहाँ पे बता सकते हैं, देखिए प्रमोटर 22% की हिस्सेदारी थी, उसमें भी 96% गिरवी थे, तो हमारे 7 पैरामीटर्स के हिसाब से पहले ही वो स्टॉक रिजेक्ट हो जाते, एंड बाद में आप देख सकते हो कैसे प्रमोटर धीमे धीमे करके निकल गए, एंड अभी 4% बचे, एंड उसमें भी 6% की स्टॉक गिरवी है। सो ज़रूर ये रिस्की पार्ट मुझे यहाँ पे लगता है। फॉरेन इन्वेस्टर का ये चौथा स्टॉक है, फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हो यहाँ पे 66% की होल्डिंग है। सो अगर आपको लगता है फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ही सही जा रहे हैं तो आप भी जा सकते हैं इस स्टॉक से साथ, मैं कोई आपको रोकने वाला नहीं हूँ। डीएस की बात करें, सो डीएस भी इसमें अच्छा खासा होल्डिंग हम कह सकते हैं, डबल डिजिट होल्डिंग है 11% के आसपास। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो भी भयंकर हम कह सकते हैं, 15% से बाद में 16, देन 18%, 18.5% देखने को मिल रहा है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न बाकी की अगर हम लोग देखें अदर देन प्रमोटर्स, तो बहुत ही सॉलिड यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दोनों स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, कंपैरिजन करने में दोनों का बिजनेस अलग है, बट यहाँ पे जो न्यूज़ सामने आई है आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सर्चेस यहाँ पे चल रहे हैं, हम लोग सर्चेस नहीं बोल सकते, वेरिफिकेशन चल रहे हैं, सर्चेस एंड रेड बड़ा वर्ड होता है, बट यहाँ पे जो इम्पैक्ट रहेगा ज़्यादा L&T के ऊपर कम रह सकता है ऐसा मुझे लगता है। जी एंटरटेनमेंट शायद से ज़्यादा इम्पैक्ट रह सकता है ऐसा मुझे लगता है। अभी हम लोग बात करें 5 साल के, तो 5 साल के रिटर्न्स देख लेना, 45% डाउन है। L&T की बात करें तो 78% अप है 5 साल की, बट यही चीज़ अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में देखें, 3 महीने का रिटर्न देखते तो 3 महीने में दोनों पॉजिटिव है, 6 महीने की बात करते तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों शॉर्ट टर्म में धोखा खा सकते हो, बट इसीलिए जितना हो सके लंबा चार्ट पैटर्न देख लेना। हालांकि लंबा चार्ट पैटर्न कोई अश्योरिटी नहीं है कि आगे भी स्टॉक वैसे ही परफॉर्म करेगा, बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज में अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आगे कर सकते हैं। अभी कोई लॉन्ग रेंज में ही इतना नीचे है तो आगे वो कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे कभी कभी हो जाता है। तो आप ही देख सकते हैं, ये देखिए परफॉर्मेंस आप ही के सामने, उसी के साथ साथ 5 साल का परफॉर्मेंस बिल्कुल सही रहेगा, जो कि आप कह सकते हैं 45% डाउन एंड 78% अप। सो L&T अगर आपके पास रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, जीरो तो नहीं हो सकता। एंड GA की मैं अगर बात करूँ तो अगर आप प्रॉपरली मेरे वीडियोस को देखते हो तो ये स्टॉक मुझे इतना खास नहीं लगता। इसके जितने भी स्टॉक्स है, जी मीडिया, जी लर्न, अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड मैंने वीडियो नहीं बनाया तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, 2 साल पहले का वीडियो रहेगा, तभी इन तीनों स्टॉक्स को मैंने कवर किया था, जी एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड लर्न। ये तीनों स्टॉक में यही प्रॉब्लम है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, प्रमोटर बार बार निकलते हैं, एंड जितने भी होल्डिंग है गिरवी रखते हैं। सो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुझे ये रिस्की लगता है, ये सिर्फ मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कह दी है। सो आपको जो लगता है फाइनली वो आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।